Hello friends, good morning. Today we will discuss quantitative aptitude quiz for IBPS 2019 for 1st February 2019. This is the day 9. Now today's topic is mixture and allegation. The first question is, a milk seller has milk of rupees 100 per liter. In what ratio should water be mixed in that milk so that after selling the mixture at rupees 80 per liter, he gets a profit of 50%. So now, milk and water. अब एलिगेशन जो है वो कॉस्ट प्राइस पर लगाते हैं, कॉस्ट प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस इस पे लगाते हैं, बट ओवरऑल हमें जो पता है यहाँ पर वो सेलिंग प्राइस है, तो पहले हम उसको कॉस्ट प्राइस उसका निकाल लेते हैं. सो सीपी ऑफ मिक्सचर ₹80 एंड प्रॉफिट हो रहा है हमें 50% का. सो 150 कॉस्ट प्राइस आई है, इसलिए 100 का मल्टीप्लाई. सो 160/3 जो कॉस्ट प्राइस है वो ये है, यानी कि टोटल मिक्सर का कॉस्ट प्राइस 160/3 एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ मिल्क 100 पर लीटर, सो 100 एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ वाटर जो कि 0 होता है. सो यहाँ से एलिगेशन लगाने पर 163 एंड 0 को लेस करने पर 160/3 एंड 100 में से 160/3 को लेस करने पर एलसीएम लेंगे, तो 300 - 160/3 300 - 160 को लेस करने पर 140/3. सो 140/3 यहाँ से सॉल्व कर लेंगे इसको, रेशियो 0000 एंड 8:7. सो व्हाट रेशियो शुड वाटर बी मिक्स्ड इन दैट मिल्क. सो हमें यहाँ पर मिक्सचर का जो लास्ट है वो हमें रेशियो फॉर्म करना है, वाटर एंड मिल्क का या मिल्क एंड वाटर का. हमें ऐसा कुछ क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि हम वाटर मिल्क का फाइंड करें या मिल्क एंड वाटर का. सो डैट वी कैन से 8:7. सो 8 मिल्क एंड वाटर 7:7. ऑप्शन को चेक करने पर 7:8. सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 1. एंड इज अनदर मेथड कॉस्ट प्राइस जो हमें मिक्सचर का मिला था 160:3 एंड इनिशियल जो मिल्क का था वो 100 था. सो इनिशियल जो 100 था एंड टोटल मिक्सचर का 160/3, यहाँ से अगर हम इसको हम सॉल्व कर लें, सो 300 या 30:60 15:8 जो फाइनल रेशियो मिलेगा 15:8 है, यानी कि इनिशियल में 15 था और जब वाटर ऐड कर दिया सो मिक्सचर क्या हो गया, 8 हो गया. यहाँ पर वाटर ही ऐड कर रहे हैं ना हम लोग, यहाँ पर वाटर ऐड कर रहे हैं. सो ये जो चेंजेस जो हुए हैं 15 से 8 का जो चेंज हुआ है किसकी वजह से हुआ है, 7 की वजह से. सो रेशियो क्या हो जाएगा, वाटर 7 एंड मिल्क 8, 7:8. तो वी कैन से 7:8 ऑप्शन नंबर इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 1. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. अ पर्सन हैज ₹8400, he lent a part of it at 4% and the remaining at the 10/3% at simple interest. His total annual interest was ₹294. Find the sum he lent at 4%. 4% पर उसने कितना amount lent किया है वो हमें find करना है. So पहले हम इसका rate निकाल लेंगे. Rate निकालने के लिए क्या करते हैं, rate निकालने के लिए
कितना इंटरेस्ट मिला हमें 294 का, किस अमाउंट से मिला, किस सम से मिला, तो हम इसको बोलेंगे 8400। एंड परसेंटेज निकालना है, सो 100 का मल्टीप्लाई, यहाँ से परसेंटेज, यहाँ से रेट जो होगा हम फाइंड कर लेंगे, 14 and 49, 2 and 7। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं R is equal to या रेट is equal to 7/2% और 3.5%। जो रेट हो गया वो है 3.5%। अब उसने कुछ पार्ट 4% पर किया और कुछ पार्ट 10/3% पर, बट टोटल जो है वो 3.5% है। तो हम यहाँ से एलिगेशन मेथड लगा लेंगे, 4% कुछ पार्ट का एंड 4% कुछ पार्ट का एंड 10/3 कुछ पार्ट का एंड ओवरऑल 3.5% या 7/2%। यहाँ से एलिगेशन मेथड लगा लेंगे, 4 - 7/2 करेंगे, इसका एलसीएम लेके 8 हो जाएगा, 8 - 7 1/2 1/2। इसका और इसका डिफरेंस इधर लिखते हैं एंड इसका और इसका डिफरेंस इधर लिखते हैं। सो 10/3 - 7/2 हो जाएगा इसको सॉल्व करने पर, 10/3 7/2 21 and 20 लेस कर देंगे 1/6। सो रेशियो यहाँ पर हो जाएगा 2:6, वी कैन से 1:3। देन 4 वाला पार्ट है वो 1:1 में मिला एंड जो 10/3 वाला परसेंट है वो 3:1 में मिला। फाइन हमें करना है 4% का एंड ओवरऑल हमें अमाउंट पता है 8400। सो ओवरऑल रेशियो कितना हो गया 4, 4 = 8400। यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे 1 की वैल्यू, या हमें फाइंड क्या करना है 1, हाँ 1 ही हमें फाइंड करना है, 1 4 का रेशियो ये 1 है, यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे, 4 को डिवाइड कर देंगे तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 4 से डिवाइड करना है, वी कैन से 8400 / 4 सॉल्व करने पर 2100, यानी कि जो 4% पर जो अमाउंट लगा था वो था 2100 रुपीस। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एंड फ्रेंड्स दिस इज द दिस फिगर इज पिक्चर इज सेज थर्ड एनिवर्सरी ऑफ अड्डा 247। सो 25% ऑफ चल रहा है ऑन ऑल प्रोडक्ट्स पर, प्रोडक्ट्स नेम ये गिवन है आपको, लाइव बैचेस है, टेस्ट सीरीज है, वीडियो कोर्सेज एंड बुक्स ई बुक्स सभी चीज़ों पर 25% ऑफ है। और इसको आप लोग 2 फरवरी लिखा हुआ है, टिल 2 फरवरी तक इसको बाई कर सकते हैं, यानी कि ये 25% जो है कूपन कोड जो है YAS25, ये 2 फरवरी तक ही एप्लीकेबल है, वैलिड है। सो आप इसे 25% ऑफ पर सभी प्रोडक्ट्स का आप इसके अवेल कर सकते हैं इस चीज़ को। ये इस वजह से क्योंकि अड्डा 247 ने 3 ईयर्स कंप्लीट कर लिया है इन वीडियो सॉल्यूशन, वीडियो जो यूट्यूब चैनल है उसका। सो इस वजह से आपको 25% ऑफ का प्रोवाइड किया जा रहा है, आप लोग इसका अवेल करें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज 600 ग्राम ऑफ शुगर सॉल्यूशन हैज 40% शुगर इन इट, हाउ मच शुगर शुड बी एडेड टू मेक इट 50% इन द सॉल्यूशन। सो 600 में शुगर का कितना परसेंटेज है, 40%, यानी कि उसको बोल सकते हैं 240 ग्राम, जो शुगर है 240 ग्राम है। एंड हाउ मच शुगर शुड बी एडेड, इसमें से शुगर भी कुछ और शुगर भी ऐड किया जा रहा है जिससे कि वो 50% हो जाता है सॉल्यूशन में। सो 240 मान लेते हैं हमने x ग्राम जो है शुगर ऐड किया, 240x प्लस
टोटल में भी ऐड कर देते हैं तभी तो उसका 50% हो जाता है। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, 1/2, 50% को 1/2 भी ले सकते हैं, 1/2 यहाँ से हो जाएगा, 2 को इधर मल्टीप्लाई करने पर 480 प्लस 2x इक्वल टू 600 प्लस x। सॉल्व कर लेते हैं, 2x माइनस x यानी कि x बोल सकते हैं सीधे, एंड 600 माइनस 480 डायरेक्टली बोल सकते हैं 120। यहाँ से उसको सॉल्व करने पर 120 ग्राम, यानी कि हमने कितना शुगर मिलाया जिससे कि 50% सोल्यूशन हो गया टोटल, 120 ग्राम ऑफ शुगर। इसका एक और मेथड देख लेते हैं, टोटल कितना है 600 ग्राम, 40 से 50 में चेंज हो रहा है, कितने परसेंट बढ़ रहा है 10%, एंड टोटल यानी 100% सोल्यूशन जो भी यहाँ पर होता है 100 में से माइनस 50 कर देते हैं, यहाँ वाला 50% इसको माइनस कर देते हैं। सो 600 इंटू 10 अपॉन 50, यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा 120 ग्राम। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज, गीता बाइज अ प्लॉट ऑफ लैंड फॉर 36000, सी सेल्स 2/5 ऑफ द ऑफ इट एट अ लॉस ऑफ 6%, यानी कि उसने 2/5% 6% लॉस पर सेल कर दिया। सी वॉन्ट्स टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन द होल ट्रांजेक्शन, पूरे ट्रांजेक्शन में उसे वो चाहती है कि 10% का प्रॉफिट हो जाए बाई सेलिंग द रिमेनिंग लैंड, रिमेनिंग लैंड को बेचने पर द गेन परसेंट ऑन द रिमेनिंग लैंड, जो भी ये जो रिमेनिंग लैंड में जितने जितना भी उसने प्रॉफिट हुआ है वो हमें फाइंड करना है। सो 2/5 में उसे 6% का लॉस हो रहा है, लॉस को डिनोट करते हैं 6/-6 से, एंड ओवरऑल ट्रांजेक्शन में 10% प्रॉफिट का 10% प्रॉफिट हो रहा है। सी वॉन्ट्स टू मेक अ होल ट्रांजेक्शन 10% प्रॉफिट, सो 10% प्रॉफिट साइन के साथ प्लस 10%। लेट कर लेते हैं जो दूसरा पार्ट था, जो 3 पार्ट था, 2/5 है ना, यानी कि 2 रेशियो में इसको डिवाइड किया होगा, 3 रेशियो में इसको डिवाइड किया होगा, तभी जो टोटल हो पाएगा 5। सो जो 3 रेशियो का था वो लेट कर लेते हैं एक्स परसेंट प्रॉफिट पर सेल किया होगा। यहाँ पर हम रेशियो लिख लेते हैं, रेशियो में गिवन है ये 2% और 5 में से 2 को लेस करेंगे सो 3। अब यहाँ और यहाँ का डिफरेंस, यहाँ और यहाँ का जो डिफरेंस होता है इधर डिनोट करते हैं, सो इधर ये माइनस और ये माइनस करने पर 16, यानी 3 रेशियो हम बोल सकते हैं 16 के बराबर है, 3 रेशियो इक्वल टू 16 एंड 1 रेशियो इक्वल टू 16/3। फाइंड करना है हमें 2 का, सो 2 इक्वल टू 16/3 इंटू 2, यानी कि हम बोल सकते हैं 32/3। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 का हमें पता चल गया कि ये जो है ये कितना है 32/3। अब इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करने पर हमें यहाँ की वैल्यू फाइंड होती है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करने पर यहाँ की वैल्यू फाइंड होती है, तो हम जब हमें यहाँ की वैल्यू फाइंड करनी है तो प्लस हो जाएगा दो जा करके, तो हम बोल सकते हैं 32/3 प्लस 10 इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी कि 32 प्लस 30 अपॉन 3, सो 62/3%, यानी कि जो एक्स पर जो गेन परसेंटेज जो हुआ था, जितना एक्स जो था कितना गेन हो गया उसमें 62/3%। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। सॉरी फ्रेंड्स, 4 क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है, सो जो आपका 5 नंबर क्वेश्चन है वो मैंने बोल दिया है अभी, जैसे ही वो आ जाएगा मैं उसका भी सलूशन आपको बता दूंगा। सो अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। अ मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 5:1
on adding 5 liters of water, the ratio of milk and water becomes 5:2. The quantity of milk in the original mixture is. So, ब्लड कर लेते हैं, मिल्क का जो है 5x है एंड वाटर का x है. अब रेशियो के फॉर्म में 5x/x एंड एडिंग ऑन एडिंग 5 लीटर ऑफ वाटर, ये मिल्क है 5x मिल्क है एंड ये वाटर है. सो वाटर में हमने 5 लीटर वाटर ऐड कर दिया. वाटर को ऐड करने के बाद जो भी रेशियो हो जाता है वो कितना हो जाता है, 5:2. सो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 से 5 कैंसिल, 2x = x + 5, यानी कि x = 5 हो गया आंसर. सॉरी, x की वैल्यू 5 आ गई. पूछा क्या गया है, द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द ओरिजिनल मिक्सचर. ओरिजिनल मिक्सचर में क्वांटिटी मिल्क की कितनी है, ओरिजिनल मिक्सचर में मिल्क का रेशियो कितना है, 5. सो हमने लेट कितना किया था, 5x, तो x की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे तो 25 लीटर्स जो है मिल्क का हो जाएगा ओरिजिनल मिक्सचर में. सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 6. इसका एक मेथड और है, जैसे कि इनिशियल में 5:1 था मिल्क एंड वाटर का, बाद में जब वाटर ऐड कर दिया तो कितना हो गया, 5:2. अब हमने मिल्क तो ऐड किया नहीं है, तो मिल्क का रेशियो तो कांस्टेंट ही है. अगर कांस्टेंट ना होता तो हम इसको कांस्टेंट कर लेते हैं. सो वाटर हमने कितना मिला यहाँ से, 5 लीटर. सो पहले एक था, अब कितना हो गया, 2 हो गया. कितना रेशियो में कितना बढ़ा, 1, और क्वेश्चन में कितना गिवन है, 5, यानी कि 1 की वैल्यू 5 आ गई. और पूछा क्या गया है, जो आपसे पूछा गया है उस पर हम उसके हम बराबर पुट कर देंगे वैल्यू. क्वांटिटी ऑफ मिल्क, मिल्क का पूछा गया है, सो 5:5, यानी कि 1 = 5, सो 5:5, सो 5 लीटर. ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 6. Now next question is question number 7. Question number 7 is, a vessel contain 1 liter mixture of kerosene and diesel and the other vessel contains 2 liter mixture of the same. Yani ki dusre jo vessel hai usme bhi kerosene and diesel ka hi mixture hai. The ratio of kerosene and diesel in the first and second vessel is 5:4 and 7:2 respectively. The mixture of second vessel is poured back to the first. जो mixture है second vessel का उसको first में मिला दिया गया है. Find the ratio of kerosene and the diesel in the first vessel. अब मिलाने के बाद kerosene and diesel का क्या ratio है वो हमें find करना है. So required ratio क्या है, required ratio kerosene and diesel का को बोल सकते हैं, केरोसिन को के से डिनोट करते हैं, डीजल को डी से. सो फर्स्ट वेसल में 1 लीटर था और उसका रेशियो कितना था, 5:4. यानी कि अगर हम इसको ऐसे बोलें, 5 केरोसिन था, टोटल क्वांटिटी कितनी थी, 9 की, 5:9. ये हो गया फर्स्ट वेसल में. अब दूसरे वेसल में 2 लीटर मिक्सचर था, तो 2 का हम 7:9 निकाल लेंगे, 7:9. ये हो गया केरोसिन का, ये हो गया केरोसिन का. अब सिमिलरली हम डीजल का भी निकालेंगे. डीजल फर्स्ट वेसल में कितना था, 4:9 प्लस दूसरे में 2 लीटर था, इसलिए 2 × 2:9. ये हो गया डीजल का. इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना हो गया यहाँ से, 5/9 प्लस 14/9 रेशियो 4/9 प्लस 4/9 एंड 5 को ऐड करेंगे, 19/9 एंड 4/8/9. यहाँ से 9 कैंसिल, जो रिक्वायर्ड रेशियो हो जाएगा केरोसिन एंड डीजल का वो 19:8 हो जाएगा. सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 7. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. A chemist has 10 liter of a solution that is 10% sulfuric acid by volume. एक chemist के पास 10 liter solution है जिसमें से 10% sulfuric acid है. He wants to dilute the solution to 4% extent by adding water
हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड। पहले 10% था, वो कुछ वाटर मिलाना चाहता है जिससे वो उसकी कंसनट्रेशन जो है वो कम होकर के 4% हो जाए। सो वाटर को मिला रहे हैं, वाटर को, वाटर की क्वांटिटी चेंज हो रही है। हम हमेशा एलिगेशन के क्वेश्चंस में हमेशा कांस्टेंट वैल्यू पर फोकस करते हैं। सो 10 × 10% ये था, सल्फ्यूरिक एसिड तो चेंज नहीं हुआ उसमें से, तो वाटर चेंज हुआ है, तो 10 × 10% ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड की क्वांटिटी इनिशियल। एंड जब हम उसमें मान लेते हैं एक्स लीटर वाटर मिला दिया, सो अब कितना हो गया सल्फ्यूरिक एसिड 4%। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से वैल्यूम एक्स की निकाल लेंगे, 100 = 40 + x। एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 4x, यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई होगा अंदर, 4x = 60, यानी एक्स की वैल्यू 60/4, एक्स की वैल्यू 15 लीटर। यानी कि एक्स हमने वाटर की क्वांटिटी माना था, सो हमने कितना वाटर मिलाया 15 लीटर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 8। एक और मेथड देख लेते हैं इसका, एसिड, एसिड यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड जो भी है हमारे पास, सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर, वाटर सल्फ्यूरिक एसिड का कितना 10% था एंड वाटर का 0% ही लेते हैं, ओवरऑल कितना हो जाता है बाद में 4%। सो यहाँ से एलिगेशन का मेथड लगा देंगे, 10 − 4 = 6 एंड 4 − 0 कितना हो जाएगा 4। सो यहाँ से 2:3, यानी कि एसिड का 2 था एंड वाटर का 3 था। अब हमें इनिशियल वैल्यू हमें यहाँ पर क्या फाइंड है, अ केमिस्ट हैज 10 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि 2 की वैल्यू, 2 की वैल्यू स्टार्टिंग कितना था 10% 10 लीटर था टोटल, तो 2 की वैल्यू 10 एंड 1 की वैल्यू यहाँ से 5 हो जाएगी। यहाँ पर रेशियो जो है वाटर का निकला 3, सो 3 = 5 × 3, यानी वाटर कितना मिल गया 15 लीटर। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 8। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 इज रिसर्व अबाउट 25 किलोग्राम ऑफ व्हीट एट द रेट ऑफ ₹6 per kilogram एंड 35 किलोग्राम ऑफ व्हीट एट द रेट ऑफ 7 per kilogram। ही मिक्स्ड बोथ टाइप ऑफ द व्हीट एंड सोल्ड द मिक्सचर एट द रेट ऑफ ₹6.75 per kilogram। व्हाट वॉज हिज गेन और लॉस इन द ट्रांजेक्शन, टोटल कितना उसे पूरे होल ट्रांजेक्शन में गेन और लॉस हुआ। सो सेलिंग प्राइस हमें गिवेन है, सेलिंग प्राइस कितना था पर किलोग्राम का 6.75, टोटल कितना कितना हम लोगों के पास था 25 किलोग्राम एंड 35 किलोग्राम। सो टोटल 25 + 35 कितना हो गया 6.75 × 25 और 35 को ऐड करेंगे 60। अब यहाँ से हम इसको ऐसे बोल सकते हैं 6.75 × 6 बोल सकते हैं, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 एंड 60 का मल्टीप्लाई 360 प्लस 6 एंड 7 का मल्टीप्लाई 42, सो 42 एंड 6 × 5 = 30, 30 होता है बट यहाँ पॉइंट लगा इसलिए हम यहाँ पर जीरो, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे जीरो के पहले, ऐड कर लेंगे कितना हो गया 3 × 5 एंड 6 × 4 = 10 एंड 4। यानी कि सेलिंग प्राइस कितनी हो गई मिक्सचर की या टोटल टोटल क्वांटिटी की, सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर ₹405 एंड अब कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर, कॉस्ट प्राइस कितना था 25 × 25 किलोग्राम को 6 per kilogram में सेल कॉस्ट किया था और नेक्स्ट 35 को 7 पर, तो 35 × 7 यहाँ से
25 6 जा 150 एंड 35 इंटू 7 7 3 जा 7 इंटू 30 210 एंड 7 5 जा 35। यहाँ से टोटल कितना हो जाएगा 5549 एंड 213। यानी कॉस्ट प्राइस जो है टोटल मिक्सर का 395 एंड सेलिंग प्राइस 405। अब सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से ग्रेटर है, ज़्यादा है, तो हमेशा क्या होगा गेन। गेन कितना हो गया 405 माइनस 9395, कितना हुआ गेन, गेन हुआ रुपीज़ 10 का। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 9। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर टेन इज एन एलॉय कंटेन्स सिल्वर एंड लेड इन द रेशियो 5:8 एंड अनदर एलॉय कंटेन्स सिल्वर एंड लेड इन द रेशियो 5:3 इफ इक्वल अमाउंट। दिस इज द इक्वल अमाउंट इज हाईलाइटेड बिकॉज इज द इम्पॉर्टेंट। इफ इक्वल अमाउंट ऑफ बोथ द एलॉयज आर मेल्टेड टूगेदर देन द रेशियो ऑफ सिल्वर एंड लेड इन द रिजल्टिंग एलॉय इज। इक्वल अमाउंट मान लेते हैं कुछ भी अमाउंट एक्स लीटर अमाउंट निकाला गया हो या एक लीटर अमाउंट मान लेते हैं। सो सिल्वर एंड लेड का रेशियो में फाइंड करना है रिजल्टिंग रेशियो। तो इनिशियल में इक्वल अमाउंट निकाला गया है। सो इनिशियल में 5:8 प्लस 5 कितना 13 ये हो गया एंड लेड कितना हो जाएगा 8 by 13 एंड फिर इक्वल अमाउंट निकाला गया यानी कि सेकंड में कितना था सिल्वर प्लस 5 टोटल एडिशन ऑफ रेशियो 8 एंड व्हाट इज द लेड अमाउंट 3 लेड का 3 है 3/8। इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं रेशियो निकालते हैं 5 को कॉमन ले लेते हैं तो 1/13 एंड 1/8 कितना हो जाएगा 8+13 एंड 104। 5 को कॉमन ले लिया था यहाँ से भी एट जा 14 एंड 39 एंड 104 ये हो जाएगा। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 13 एंड 8 कितना हो जाएगा 21 इंटू 5 रेशियो एंड इसको ऐड कर लेते हैं 9/4 13 एंड 6/3 9 एंड 10। यहाँ से सॉल्व करते हैं 5 1s are 5 एंड 5 2s are 10 103। सो ओवरऑल जो होल ट्रांजेक्शन होल रिजल्टिंग जो था सिल्वर एंड लेड का सिल्वर इज़ 105 एंड लेड इज़ 103। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 10। ये तो था पहला मेथड, दूसरा मेथड भी सीख लेते हैं। देखिए 5:8 था पहले कंटेन में पहले एलॉय में, दूसरा कितना था अनदर एलॉय इज़ दूसरा एलॉय कितना था 5:3 सेम अमाउंट निकाला गया है। तो हम दोनों की क्वांटिटी जो है टोटल क्वांटिटी सेम कर लेते हैं। इसका क्वांटिटी टोटल कितना है 13 एंड इसका क्वांटिटी कितना है 8। सो हम इन दोनों को जो भी क्वांटिटी है इन दोनों को इक्वल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लेट कर लेते हैं 8 का मल्टीप्लाई इक्वल करने के लिए एंड 13 का, इस टोटल मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 104 एंड ये कितना हो जाएगा ये भी 104। अब जब हमने 104 कर लिया तो सेम मल्टीप्लिकेशन अंदर भी हो जाएगा यानी कि इसमें कितना हो जाएगा सिल्वर की क्वांटिटी 8 के मल्टीप्लाई किया यानी 40 एंड इसमें कितना हो जाएगा 64 एंड इसमें 13 का मल्टीप्लाई करने पर
13 5 65 and 13 3 39. सो ये सिल्वर एंड ये लेड ऐड कर लेते हैं 5 एंड 105 एंड 3 एंड 103. ये सिल्वर हो गया, ये लेड हो गया. सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 10. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 इज अ कंटेनर वॉज फुल ऑफ सैम्पियन. अ पर्सन यूज टू ड्रॉ आउट 20% ऑफ द सैम्पियन फ्रॉम द कंटेनर एंड रिप्लेस्ड इट विथ सुगर सॉल्यूशन. ही हैज रिपीटेड द सेम प्रोसेस 3 मोर टाइम्स एंड दस देयर वॉज ओनली 5.12 grams of sampion left in the container. The rest part of the container was filled with the sugar solution. The initial amount of sampion in the jar was, so initial amount tha wo sampion ka jar mein kitna tha. So let kar lete hain initial amount of sampion is x ग्राम में दिया, हम किलोग्राम में सॉल्व करते हैं क्योंकि किलोग्राम में ऑप्शन भी है इसलिए हम किलोग्राम में लेट कर लेते हैं. सो 512 ग्राम कब हुआ, ग्राम को हम किलोग्राम में चेंज कर लेते हैं, कब हुआ, हमने इनिशियल माना एक्स में से 20% निकाला गया था. 20% को क्या बोल सकते हैं, 1/5. टोटल प्रोसेस कितने टाइम्स हुए, एक बार ये हो चुका था और द रिपीट फिर कर दिया टोटल 3 मोर टाइम्स में, यानी कितने टाइम्स हो गया, टोटल 4 टाइम्स. कितने बार प्रोसेस हुआ, 4, टोटल 4 टाइम्स हुआ. सो यहाँ से सॉल्व करते हैं इसको, 512 and 100 इज इक्वल टू एक्स, यहाँ से हो जाएगा 4 by 5 4. सॉल्व किया इसको, अभी इसको ऐसे ही लिखते हैं, क्यों लिख रहे हैं उसका रीज़न भी बताता हूँ. एक्स इंटू 4 को 4 ये ऐसे लिख लेते हैं एंड 5 को 5 5 25 एंड 25 6 2 5. इसको इस वजह से ऐसे छोड़ा था क्योंकि यहाँ से अब इसको काटने में ईजिली सॉल्व हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि 25 इंटू 25 6 6 2 5 और यहाँ से 25 4 100. सो ये हो जाएगा 25 5 and 8 एंड 6 32 से 5 2 कट जाएगा एंड 2, यानी कि अब कितना हो गया, इसको इधर लिख लेते हैं 2/8 या 2/8 को 1/4 एंड x/5 4, यानी कि 4x = 5. यहाँ से निकल गया x की वैल्यू यहाँ से आ गई 5/4 और इसको वी कैन से x = 1.25 kilograms. सो यानी कि इनिशियल वैल्यू हमने माना था x एंड इनिशियल वैल्यू पूछा भी गया था. सो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 11. एक मेथड इसका और भी ऐसे देख लीजिए, जैसे कि टोटल 512, टोटल कितना अमाउंट था, 512 था ग्राम, 512 एंड हमने मान लिया इनिशियल में एन था, टोटल 4 टाइम्स रिपीटेड हुआ था तो टोटल 4 टाइम्स में 20% निकाला गया था, यानी रिमेनिंग अमाउंट कितना हुआ, 80 अपॉन 100, 4 टाइम्स लिख लेंगे, 80 अपॉन 100 एंड 80 अपॉन 100. यहाँ से हम सबको काट देते हैं 4 0 एंड ये हो जाएगा 512 के इक्वल. यहाँ से सॉल्व करते हैं, इसको हम इधर ले आते हैं 512 into 16
64 into 64, यहाँ से 64 टाइम्स जाएगा 8, एंड 8 जा 64, यहाँ से सॉल्व किया 1 1 1 0 0, 100 एंड अपॉन 8, 50/4 एंड 25 टाइम्स कट गया, यानी कि जो भी x की वैल्यू है 50 into 25 ग्राम आई है। यहाँ से ऑप्शन में है किलोग्राम में, तो यहाँ से उसको किलोग्राम में चेंज कर लेते हैं, 52 एंड 5 4 20 एंड 5 5 25। सो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, x की वैल्यू 5/4 यानी कि 1.25 किलोग्राम। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 11। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन 3 कंटेनर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी। इक्वल कैपेसिटी इज 3:2, 7:3 एंड 11:4 रिस्पेक्टिवली। द 3 कंटेनर्स आर मिक्स्ड टुगेदर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वाटर टू मिल्क इन द फाइनल मिक्सचर। फाइनल मिक्सचर में इसका वाटर और मिल्क का रेशियो कितना होगा, मिल्क रेशियो वाटर। इक्वल कैपेसिटी निकाला गया है, मतलब निकाला नहीं गया, जो भी था कंटेनर वो तीनों इक्वल कैपेसिटी के थे। तो मिल्क कितना हो जाएगा, मिल्क ये है, मिल्क एंड 2 वाटर 3 वाटर एंड 4 वाटर, यानी कि मिल्क कितना हो जाएगा 3/5 एंड इसमें मिल्क कितना हो जाएगा सेकंड में प्लस 7/10 एंड इधर कितना हो जाएगा 11/15, ये हो जाएगा मिल्क। एंड वाटर 2:5 + 3:10 + 4:15, यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं, टोटल हम एलसीएम 30 इधर भी एंड इधर भी, सो 3:18 एंड 21 एंड 2:22 एंड 5:6 12 + 9 एंड 2:4:8 ऐड कर लेते हैं। ऐड करने पर पहले तो ये 30 से कैंसिल हो जाएगा, ऐड करने पर 2:40 एंड 43 एंड 10 53 एंड 8 61। And here is 12 and 8, 20 and 9, 29. So, mixture में milk का ratio है 61 and water का 29. Option में check करते हैं, but पूछा गया है water to milk, यानी water 29 and milk 61, यानी पहले water को show करते हैं। तो option number D is correct for question number 12. इसका एक method जैसे ऊपर बताया था वैसे इधर भी कर सकते हैं, जैसे कि स्टार्टिंग में 3:2 था फर्स्ट वेसल में, दूसरे में 7:3 एंड 11:4 इक्वल कैपेसिटी है, बट हमें यहाँ पर देखते हैं तो रेशियो जो है इक्वल नहीं मिल रहा है हमें, तो पहले हम रेशियो को इक्वल कर लेते हैं। क्यों इक्वल करेंगे, क्योंकि इक्वल कैपेसिटी है इसलिए हम इक्वल करते हैं। सो इक्वल करने का अगर नहीं समझ में आता है किस नंबर से मल्टीप्लाई करें इक्वल करने के लिए, तो इन सबका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ गया 30, यानी कि हम यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई कर दें, इधर 3 का एंड इधर 2 का, इधर हमने 6 का इधर 3 का किया इधर 2 का, तो ये 6 का अंदर ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये चेंज हो जाएगा 18 एंड 12, ये चेंज हो जाएगा 21 एंड 9, एंड ये चेंज हो जाएगा 22 एंड 8, तो ये मिल्क का हो जाएगा एंड ये वाटर का हो जाएगा। सो इसको चेक कर लेते हैं, 8:10 एंड
11 and 2 to 4 and 5 and 6 and 8 20 and 29. So milk and water ka 61 ratio upon 29, water and milk ka kya ho jayega 21 ratio 69. So option number D is correct for question number 12. Now next question is question number 13. Question number 13 is the ratio of quantities of an acid and water in a mixture is 1:3. If 5 liters of acid is further added to the mixture, the new ratio becomes 1:3, the quantity of new mixture in literage. Ab acid and water ka kitna tha 1:3. Pehle basic se samajh lete hain. एसिड क्वांटिटी में जो एसिड था लेट कर लेते हैं एक्स एंड वाटर 3x. सो एक्स एंड 3x. इफ 5 लीटर ऑफ एसिड इज फर्दर एडेड, एसिड ऐड किया गया है, एसिड ये था, सो एसिड 5, रिजल्टेंट रेशियो कितना हो जाता है 1:2. यहाँ से सॉल्व कर लेंगे 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 3x, यानी कि x की वैल्यू यहाँ से आ गई 10. पूछा क्या गया है, द क्वांटिटी ऑफ न्यू मिक्सचर इन लीटर, नए लीटर में मिक्सचर क्वांटिटी ऑफ, मतलब कि नया जो क्वांटिटी है वो कितना हो जाएगा. सो टोटल रेशियो कितना था 4, टोटल 1:3 था ना, तो टोटल कितना हो जाएगा रेशियो 4, हम बोल सकते हैं 4x, क्योंकि x x सेलेक्ट कर लिया था, तो यहाँ से 4 × x या 4 × 10 कितना हो जाएगा 40. 40 तो तब था, अब इसमें 5 लीटर और भी ऐड कर दिया था, तो 45 लीटर हो जाएगा टोटल, यानी कि आंसर हो जाएगा 45 लीटर. ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. अनदर मेथड इज 1:3 था इनिशियल में, क्या था एसिड एंड वाटर, एंड बाद में कितना हो गया 1:2. अब ऐड क्या हुआ है, ऐड हुआ है एसिड, यानी कि एसिड जो है वो वेरी कर रहा है और जो वाटर है वो कांस्टेंट रहेगा, बट यहाँ पर रेशियो को हम चेक करते हैं तो वाटर वेरी कर रहा है, एसिड कांस्टेंट है, तो हम वाटर को सेम कर देंगे. वाटर को सेम करने के लिए हम 2 का इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड 3 का इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ से चेंज होकर के 2:6 एंड ये 3:6. अब वाटर जो है दोनों में सेम हो गया, वाटर जो है दोनों में सेम हो गया, बट एसिड जो है वो चेंज हो गया, एसिड का रेशियो चेंज हो गया. एसिड का रेशियो पहले कितना था 2 था, अब कितना हो गया 3. कितने रेशियो बढ़ा, एक बढ़ा, और क्वेश्चन में कितना मिलाया गया था 5, एक जो हो गया 5 के इक्वल हो गया. पूछा गया क्या गया था न्यू मिक्सचर, अब न्यू मिक्सचर हमारा क्या है 9 है, 6:3 ऐड कर देंगे 9 हो जाएगा, तो 9 × 5 टोटल मिक्सचर, टोटल न्यू मिक्सचर 45 लीटर. सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 13. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14. अ डेयरी मैन पेज ₹6.40 पर लीटर ऑफ मिल्क, ही एड्स वाटर एंड सेल्स द मिक्सचर एट ₹8 पर लीटर, देयर बाय मेकिंग 37.5% प्रॉफिट, द प्रोपोर्शन ऑफ वाटर टू मिल्क रिसीव्ड बाय द कस्टमर इज. ओके, सो यहाँ पर टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है 37.5%. 37.5 कितना होता है 3/8, इसको कैसे निकालते हैं 37.5% को 3/8 होता है. अब इसको हम ऐसा कर लेते हैं कि पॉइंट यहाँ से गायब हो जाए, यहाँ से 2 हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया एंड परसेंट था, तो हमने 2 का इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया ऊपर ऊपर कितना हो गया 75 एंड अपॉन 200 कितना हो गया 25 से हम डिवाइड कर देते हैं एंड ये 4, यानी कि 3/8 जो रिजल्टेंट हो गया वो 3/8 है. क्या था प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि ये क्या है प्रॉफिट हो गया, एंड ये जो 8 होता है ये क्या हो जाता है सीपी हो जाता है. टोटल एसपी कितना हो जाएगा 8 + 3 = 11, 11 हो गया सेलिंग प्राइस. और अ डेयरी मैन पेज ₹6.40
liter of milk, he adds water the same 8 per liter and make. ठीक है, ये selling price हो गया. एंड क्वेश्चन में कितना गिवन है? 8 पर लीटर. सो 11 किसके इक्वल हो जाएगा? 8 के. यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, 8 अपॉन 11. पूछा क्या गया है? हाँ, यहाँ से कॉस्ट प्राइस कितना था? 8 था ना, तो हम यहाँ से 8 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे. तो 8 इंटू 8 अपॉन 11 इक्वल टू 64 अपॉन 11. यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ द मिल्क या कॉस्ट प्राइस ऑफ द मिक्सचर कितना हो गया? सीपी 64 अपॉन 11. टोटल मिक्सचर हो गया कॉस्ट प्राइस का, टोटल मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस ये है. बट ये कितना हो गया? मिल्क एंड वाटर. टोटल मिक्सचर का हमने कॉस्ट प्राइस निकाल लिया 64 अपॉन 11. एंड मिल्क कितना था? 6.4, या हम ऐसे बोल सकते हैं 64/10. एंड वाटर कितना था? 0. यहाँ से हमने एलिगेशन मेथड लगाया. सो यहाँ पर इनको और इनको लेस करने पर कितना आएगा? 64/11 एंड 64/11 एंड 64/10 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं. 64 कॉमन ले लिया एंड 1/64 कॉमन ले लिया था. 1/10 माइनस 1/11 कितना हो जाएगा? 1/110. सो 64 से कैंसिल, 1/11 रेशियो 1/110. यहाँ से हमने इसको कट कर दिया, कितना हो जाएगा? 10 टाइम्स जाएगा. सो रेशियो क्या हो जाएगा? 10:1. सो मिल्क रेशियो वाटर कितना हो गया? 10:1. क्वेश्चन में पूछा गया है वाटर टू मिल्क. सो वाटर टू मिल्क को हम बोल सकते हैं 1:10. सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 14. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15. 4 लीटर आर ड्रॉन फ्रॉम अ कंटेनर फुल ऑफ मिल्क एंड देन इज फिल्ड विथ वाटर. दिस ऑपरेशन इज परफॉर्म 3 more times. द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मिल्क लेफ्ट इन द कंटेनर एंड दैट ऑफ वाटर इज 16:65. हाउ मच मिल्क डिड द कंटेनर होल्ड इनिशियली? सो हम लेट कर लेते हैं, इनिशियल में एक्स लीटर था कंटेनर में, एक्स जैसे कि भी इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आया था, वैसे ही हम इधर भी सॉल्व करेंगे. एक्स माइनस 1, 4 लीटर और डॉन, 4 लीटर निकाला गया है. 4 लीटर कहाँ से निकाला गया? एक्स से. कितने टाइम्स हुआ था? कितने टाइम्स हुआ यहाँ पर क्वेश्चन में? 3 more times. यानी कि एक पहले हो चुका है एंड 3 इधर हुआ, टोटल कितने हो गए? 4 times. एंड 16 मिल्क द कंटेनर एंड डेट ऑफ द वाटर इज 16:65. यानी कि 16 टोटल क्वांटिटी कितनी? 65. टोटल क्वांटिटी इधर कितनी? x. सो यहाँ से x x कैंसिल हो जाएगा. नाउ 1 - 4/x / 4 एंड इसको भी हम ये ऐसे ले सकते हैं. सॉरी, 65 वाटर था ना, 16 and 65 ये हो जाएगा. तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं, 1 - 4/x / 4 इक्वल टू 16/81. 81 ऐड करने पर 81 आ जाएगा. सो इसको हम ये फिर इस स्टेप के बाद हम इस वाले स्टेप पर आएंगे. सो यहाँ पर इस ये 4 है, तो इस टर्म को भी हम 4 के अकॉर्डिंग में ही कन्वर्ट कर देंगे. सो कितना हो जाएगा? 2 की पावर 4 एंड नीचे 3 की पावर 4. दोनों साइड्स को इक्वल कर लेने पर 1 - 4/x = 2/3. यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि 1 - 2/3 = 4/x. 3 - 2 = 1. 1/3 = 4/x एंड x की वैल्यू 12. यानी इनिशियल में टोटल क्वांटिटी कितनी थी?
12 liter. Option number B is correct for question number 15. And जो question बच गया था fifth number question वो हमारे पास आ चुका है. Question ये था, हम आपको पढ़ के बता दे रहे हैं. How many kilogram of sugar worth rupees 25 per kilogram must be blended with 30 kilogram of sugar worth rupees 30 per kg? Show that by selling the blended variety at rupees 30 per kilogram, there should be gain of 10%. So, अब इस क्वेश्चन में पहले कॉस्ट प्राइस दिया हुआ, फिर कॉस्ट प्राइस सम पार्ट का कॉस्ट प्राइस, फिर सम पार्ट का कॉस्ट प्राइस एंड ओवरऑल सेलिंग प्राइस दिया हुआ है. तो हम हमेशा एलिगेशन कॉस्ट प्राइस पर ही लगाते हैं, तो हम यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं. कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर इक्वल टू 30 था, टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है 10% का, 10 एंड कॉस्ट प्राइस के लिए 100 का मल्टीप्लाई करते हैं. यहाँ से कितना हो जाएगा 300/11 रुपीस पर किलोग्राम. ये हो गया टोटल कॉस्ट प्राइस मिक्सचर का. अब फर्स्ट पार्ट जो था वो 25 पर केजी पर जा रहा था एंड जो दूसरा शुगर था वो कितना था 30 एंड ओवरऑल 300/11. यहाँ से एलिगेशन मेथड लगा देंगे. सो यहाँ इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर कितना हो जाएगा 25 × 11 250 प्लस 25 यानी 275 को 300 में से लेस करेंगे 25 upon 11 एंड इसको एंड इसको लेस करने पर 11 × 30 330 में से 300 को लेस करने पर 30/11. सो रेशियो क्या आ गया 6:5. जो फर्स्ट पार्ट था वो 6:6 में था एंड सेकंड पार्ट जो था वो 5:6 में था. अब हमें पूछा क्या गया है, पूछा गया है हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ शुगर. फर्स्ट पार्ट का हमें कितना किलोग्राम था यूज़ में आया था, यानी हमें सेकंड पार्ट का क्वेश्चन में गिवन है 5 = 30, यहाँ से 1 हो गया 6 के बराबर एंड हमें इसका फाइंड करना था. तो इसका हमें रेशियो पता है 6, तो 6 × 6 यहाँ से आ गया 36 किलोग्राम. सो हम क्वेश्चन नंबर 5 के ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन सी इज राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 5. ओके, अब वीडियो को यहाँ से क्लोज करते हैं. सो थैंक यू. हेलो एंड वेलकम टू bankersadda.com. सो टुडे this session is for English language and we are going to discuss the quiz for day 9 for our current plan going on that is 6 month preparation plan kar IBPS 2019 fateh. This is a plan, a dedicated plan for IBPS exams 2019. May it be RRB. RRB, PO clerk or IBPS PO clerk. So it becomes very important for you to start practicing from now on if you want to achieve a government job this year. So before starting, I would like you all to know that we have completed the 3-year YouTube anniversary. Our first video was uploaded 3 years back on YouTube. So on this occasion, we are launching a special offer which is valid till 2nd of February. We are offering 25% off on all the products, may it be test series, live batches, video courses, books, ebooks. You just have to use the code YAS25 and you get a discount of 25% on all the test series and study material that you purchase. So now let's begin with our discussion. The topic for today's quiz is error detection, a very important topic for preliminary exam as well as main examination both. So let's see,
Read each of the following sentences to find out if there is any grammatical error in it. The error, if any, will be in one part of the sentence. The number A, B, C, or D of this part is your answer. If there is no error in the statement, then mark option E as your answer choice. So you have a sentence which is divided into four parts. उनमें से एक में एरर हो सकता है तो आपको वो पार्ट बताना है और अगर कोई एरर नहीं है तो नो एरर करेंगे. स्टार्ट करते हैं. इम्प्रूविंग आईटी लिटरेसी इज अ ग्रेट टास्क अहेड बिकॉज फॉर डिजिटल इंडिया टू बिकम सक्सेसफुल इट इज नेसेसरी दैट मासेस नो हाउ टू यूटिलाइज द डिजिटल रिसोर्सेज. इफ यू लुक एट दिस दिस सेंटेंस इज इन सिंपल पास्ट सो यू कैनॉट यूज टू यूटिलाइज यू शुड यूज टू यूटिलाइज. एरर इज इन पार्ट डी. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. इंडियन स्कूल्स एंड कॉलेजेस नीड टू प्रिपेयर द यूथ फॉर अ वेरी डिफरेंट इकोनॉमिक एंड डिजिटल वर्ल्ड बिकॉज द स्किल्स टू सर्वाइव एंड प्रॉस्परिंग इन द फ्यूचर विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दे आर टुडे. तो देखे तो प्रेजेंट में है द स्किल्स टू सर्वाइव एंड प्रॉस्पर होना चाहिए. ठीक है. एक तो टू के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आता है. ऑल्सो एंड के दोनों तरफ सेम फॉर्म ऑफ वर्ब रहता है तो प्रॉस्पर होना चाहिए. तो आपका एरर आ गया पार्ट सी में. नेक्स्ट. एट द डॉन ऑफ द 21st सेंचुरी वी आर अमिडस्ट द इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन और इंफॉर्मेशन एज व्हिच वाज टर्म्ड एज द थर्ड वेव बाय द सेलिब्रेटेड नॉवलिस्ट एल्विन टॉफलर इन हिज 1980 नॉवल. सो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. देयर इज नो एरर इन दिस स्टेटमेंट. स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको करने में ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए. आपको एग्जाम में फटाफट करना है. दे आर नॉट एट ऑल टाइम कंज्यूमिंग. The e-governance empowers the citizens by improve the accessibility of government information to citizens at any time as per their convenience. If you see, by improve नहीं होगा, by improving. क्या करके? Improve करके. ठीक है? Noun नहीं आएगा, improving आएगा. तो B में error है. The consensus on climate change is that it has begun to affect the intensity and frequency of extreme weather events. Is है? Present है? तो अफेक्टेड नहीं होगा. इट हैज बिगन टू अफेक्ट. ठीक है. एरर पार्ट बी में है. नेक्स्ट. ग्रीन हाईवेज पॉलिसी टू बिल्ड अ 1.5 किलोमीटर लॉन्ग ट्री लाइन विद प्लांटेशन अलोंग बोथ साइड्स ऑफ नेशनल हाईवेज विल गो अ लॉन्ग वे इन एनहेंसिंग द फॉरेस्ट एंड ट्री कवर. एब्सोल्युटली करेक्ट. नो एरर. इंडिया जीडीपी इज ग्रोइंग क्वाइट वेल दो देयर इज डिस्प्यूट्स अबाउट वेदर. डिस्प्यूट्स है, प्लूरल है, आर आएगा. ठीक है. तो एरर हो गया पार्ट बी में. खत्म. नेक्स्ट. वन मस्ट बियर द फैक्ट इन माइंड दैट द सिग्निफिकेंट ऑफ द इंडियन ओशन इज बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग एक्टिविटी देयर इन. उसका सिग्निफिकेंस है, वो सिग्निफिकेंट किसी चीज के लिए नहीं है. तो सिग्निफिकेंस आएगा, नाउन आएगा. बी में एरर है. द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क इज रिपोर्टेडली अनेबल टू गेट द इलेक्ट्रॉनिक वे बिल meant to tracking intrastate and interstate movement of goods as rules have not yet been finalized. If you see, unable to get the e-way bill meant to tracking, two ke saath first form, the to track intrastate. Theek hai? Intrastate or interstate movement of goods. Error kis mein aagi? Part B mein. Next. China in recent years under Xi Jinping has hosted a number of military parades to celebrate the victory of Japan during the Second World War, inviting numerous foreign leaders as well to be present. If you see, no error. Next, structural forces within the global economy have been driving down wages and creating insecure employment while increasing the mobility of capital and increase in incomes from ownership of capital. If you see, यहाँ पर वर्ब्स का फॉर्म क्या है? ड्राइविंग, क्रिएटिंग, इंक्रीजिंग. तो ये वाला वर्ब भी यहाँ पर इंक्रीजिंग ही होना चाहिए. ये पैरेललिज्म होता है इंग्लिश का. जो वर्ब फॉर्म्स आपके सेंटेंस में यूज हो रहे होते हैं, सिमिलर आपको दूसरा यूज करना रहता है. तो डी में एरर है. नेक्स्ट. आफ्टर फॉलिंग कंसिस्टेंटली अगेंस्ट द डॉलर अगेंस्ट द यूएस डॉलर फॉर मोर ऑफ अ ईयर फॉर मोर मोस्ट ऑफ द ईयर द रूपी हैज मैनेज्ड टू गेन सम ग्राउंड. गेन्ड सम ग्राउंड नहीं होगा, गेन सम ग्राउंड. ठीक है. ओवर द लास्ट वन एंड हाफ ईयर फार्मर्स हैव बीन प्रोटेस्टिंग अक्रॉस द कंट्री एंड ऑर्गेनाइजिंग मास गैदरिंग्स. दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. प्रोटेस्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है. नो एरर. नेक्स्ट. इट इज अ नोन
इट इज अ नो फैक्ट नहीं होता है, हम फैक्ट को बोलेंगे, फैक्ट को ये एक्नॉलेज कर रहा है कि कैसा फैक्ट है, नोन फैक्ट है. एडजेक्टिव आ रहा है, नो नहीं आएगा, तो ए आपका एरर है. नेक्स्ट, इन द आफ्टरमैथ ऑफ साइक्लोनिक स्टॉर्म्स द पुलिस वर एडवाइजिंग मोटरिस्ट टू ट्रेवल ओनली इफ द जर्नी वॉज एब्सोल्यूटली नेसेसरी. दिस इज करेक्ट, पुलिस वर ही यूज होता है, ठीक है, तो नो एरर. सो स्टूडेंट्स आपने देखा है बिल्कुल भी टाइम कंज्यूमिंग नहीं रहता है, एंड इफ यू प्रैक्टिस यू कैन सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन इन वेरी लेस टाइम. सो स्टूडेंट्स वन मोर इंफॉर्मेशन, टूडे इज 1st of February, सो यूनियन बजट विच इज एन इंटरिम बजट दिस ईयर इज बींग रिलीज टूडे. तो आपको आज पूरे दिन में जो क्विजेज इंग्लिश की मिलेंगी वो आपको इसी थीम पर बेस्ड मिलेंगी. सो डू प्रैक्टिस दैट एंड ऑल्सो गो थ्रू द बजट फॉर योर एग्जामिनेशन. सो दैट्स ऑल फॉर टूडेज सेशन. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू बैंक एसेट. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस रीजनिंग क्विज फॉर आईबीपीएस एग्जाम 2019 1st February. सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. डायरेक्शन 1 to 5, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली टू आंसर द गिवन क्वेश्चन. 7 persons PQRSTUNV लिव ऑन अ सेपरेट फ्लोर्स ऑफ अ 7-storied बिल्डिंग बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर. जैसे कि हमारा फ्लोर बेस्ड पजल है, इसके अंदर 7 persons गिवन है जो कि अलग अलग फ्लोर पे रह रहे हैं एक 7-storied बिल्डिंग के. देन द इंफॉर्मेशन इज गिवन दैट द ग्राउंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग इज नंबर्ड 1, द फ्लोर अबव इट 2 एंड सो ऑन अंटिल द टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर 7. तो जैसे कि हमारे को 7 floor गिवन है, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1, एंड उसके बाद हमें गिवन है फ्लोर नंबर हो गए और पर्सन हो गए. पर्सन गिवन है और ये अलग अलग कलर लाइक करते हैं, एंड ईच पर्सन लाइक डिफरेंट कलर, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट, रेड, पिंक, पर्पल एंड ग्रे, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर. पी डज नॉट लाइक ब्लैक कलर, पी डजंट लाइक ब्लैक कलर एंड लिव अबव एस. देन हमें कंडीशन अगर हम देखें, कोई पर्टिकुलर सर्टेन कंडीशन हमें गिवन है, तो इसमें हमें गिवन है अगर हम चेक करें तो वी लिव्स ऑन 6th floor, जो वी है वो 6th floor पे लिव करता है. देन द वन हु लाइक्स ब्लू कलर लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 5, जो फ्लोर नंबर 5 पे है वो ब्लू कलर लाइक करता है. देन उसके बाद गिवन है सेम नंबर ऑफ पर्सन लिव अबव एंड बिलो क्यू. अगर सेम नंबर ऑफ पर्सन अबव और बिलो क्यू है तो यानी क्यू जो है वो 4th floor पे लिव करेगा, तो 3 ऊपर लिव करेंगे और 3 बिलो लिव करेंगे. देन आर लिव्स इमीडिएट अबव द वन हु लाइक्स ग्रे कलर. जो आर है, आर लिव्स इमीडिएट अबव द वन हु लाइक्स ग्रे कलर, एंड टी लिव्स इमीडिएट बिलो द वन हु लाइक्स ग्रे कलर. तो ये हमारी पॉसिबिलिटी आ जाएगी कि ये स्टेटमेंट हम देखते हैं 3% हमारे फिक्स हो रहे हैं इसमें, तो देखते हैं कहाँ हम इसे प्रोबेबली फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि हमें आगे कोई सर्टेन कंडीशन नहीं दिख रही जिसके आगे हम फॉरवर्ड कर सके. अगर हम देख सके तो हमें एक कंडीशन मिल रही है जरूर, द वन हु लाइक्स पर्पल कलर लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर बिलो फ्लोर नंबर 6. 6th floor के नीचे या तो फ्लोर वो जो 4th floor पे क्यू है वो पर्पल कलर लाइक करता होगा, या 2nd floor वाला पर्सन पर्पल कलर लाइक करता होगा. अगर हम आर ग्रेड टी को फिक्स करें तो इसमें या तो देखो आर हमारा 7th floor पे आएगा, देन 6th floor वाला पर्सन ग्रे लाइक करेगा, एंड टी हमारा 5th floor पे आएगा. या अगर हम देखें वी ब्लू क्यू ले और हमारा सेम कॉम्बिनेशन हम ट्राई करें, तो जो हमारा आर है अगर हमारा आर ब्लू लाइक करेगा और क्यू ग्रे आएगा और नीचे उसका टी आएगा, हमारी ये दो पॉसिबिलिटी बन जाएगी, क्योंकि इसके बाद हमारी कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती, क्योंकि क्यू के नीचे अगर हमारा जो ब्लू कलर वाला पर्सन आएगा देन ग्रे देन टी, उसके बाद हमें गिवन है कि टी और यू के बीच में 2% गिवन है, टी और यू के बीच में 2% गिवन है. तो जो अगर टी हमारा अगर यहाँ पे आएगा तो टी और यू के बीच में 2% गिवन है, तो यू के लिए कोई जगह नहीं बचेगी. और ऐसे ही हमारा जो ये सेकंड केस बन रहा है इसमें भी यू के लिए कोई जगह नहीं बच रही है कि
2% लिव बिटवीन टी एंड यू, तो जो हमारे केस है कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यू कहीं भी इसमें फिक्स नहीं हो रहा है। तो अगर हम देखें आज जो हमारा फर्स्ट केस ही है ओनली केस, उसमें अगर हमारा यू फिक्स हो जाएगा 2% का गैप है, तो यू हमारा सेकंड फ्लोर पे लिव करेगा। देन उसके बाद हमें इसमें गिवन है यू फिक्स हो गया, पी डजेंट लाइक ब्लैक कलर एंड लिव अबव एस, तो जो पी है वो ब्लैक कलर लाइक नहीं करता और अबव एस है, तो पी हमारा थर्ड पे होगा और एस हमारा ग्राउंड फ्लोर पे होगा। देन हमें इसमें गिवन था कि जो एस है, एस हु लाइक्स वाइट, एस हमारा व्हाइट कलर लाइक करता है, तो वो ग्राउंड फ्लोर पे फिक्स हो जाएगा। पी हमारा ब्लैक लाइक नहीं करता, पी ब्लैक कलर लाइक नहीं करता। देन हमें एक कंडीशन गिवन है पी लिव्स इमीडिएट बिलो द वन हु लाइक्स रेड कलर, अगर पी इमीडिएट बिलो द वन है हु लाइक्स रेड कलर, तो जो रेड कलर लाइक करता है वो फोर्थ फ्लोर पे लिव करेगा। देन इसमें हमें कंडीशन गिवन है जो हमारा पर्पल कलर था, कि जो पर्पल कलर लिव कर लाइक करता है वो इवन नंबर फ्लोर पे रहता है बिलो सिक्स फ्लोर, तो इवन नंबर फ्लोर खाली सेकंड बचा, तो जो यू है वो पर्पल कलर लाइक करता है, और अगर पी ब्लैक नहीं करता तो आर ब्लैक कलर लाइक करता है, और जो हमारा लास्ट पर्सन है पी, उसके लिए एक ही कलर बचा कि वो पिंक कलर लाइक करता है। तो जो हमारा कलर का कॉम्बिनेशन था वो भी फिक्स हो गया, पर्सन का भी फिक्स हो गया। तो अब देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या गिवन है इस पजल पे। तो नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारे से पूछा है हाउ मेनी पर्सन लिव बिटवीन द फ्लोर ऑन विच वी एंड एस लिव, वी और एस के बीच में कितने पर्सन लिव करते हैं। तो वी और एस के बीच में हमें अपने फाइनल अरेंजमेंट से पता चल रहा है कि वी और एस के बीच में हमारे 4% लिव करते हैं, टी क्यू पी एंड यू। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 4। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में इन्होंने हमारे से पूछा है जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसमें इन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन इन्फॉर्मेशन। अगर हम जल्दी जल्दी देखें तो जो हमारे फर्स्ट ऑप्शन है उसमें हमें पूछा गिवन है टी लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 5, तो टी हमारा 5th फ्लोर पे लिव करता है एंड ही डज नॉट लाइक रेड, तो रेड लाइक नहीं करता, सही है क्योंकि वो ब्लू लाइक करता है, तो ये हमारी कंडीशन ट्रू है। अगर हम सेकंड को भी देखें कि पी लाइक्स पिंक, पी पिंक लाइक करता है एंड ही डज नॉट लिव ऑन फोर्थ फ्लोर क्योंकि वो थर्ड पे लिव करता है, तो ये भी ट्रू है। तो अगर दोनों ही ट्रू है तो इसमें हम एक ही आंसर लगा सकते हैं ऑप्शन ई, ऑल द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, क्योंकि हमें बाकी दो चेक करने की जरूरत नहीं है, हमें जल्दी आगे मूव करना है। देन क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारे से इन्होंने बोला है हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स ऑन द फ्लोर इमीडिएटली अबव द फ्लोर ऑफ पी, कि पी फ्लोर के अबव कौन सा पर्सन लिव करता है, तो पी के जस्ट अबव हमारा क्यू लिव करता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए क्यू। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर में हमारे से पूछा है हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स एग्जैक्टली बिटवीन द फ्लोर ऑन विच वी एंड क्यू लिव, अगर हम देखें वी और वी 6 पे लिव करता है, क्यू 4 पे लिव करता है, एग्जैक्टली बिटवीन टी लिव करता है, तो फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव में इन्होंने पूछा है हु अमंग द फॉलोइंग डज लाइक ग्रे कलर, तो अगर हम देखें कि फाइनल अरेंजमेंट में से हमारे को सीधा दिख रहा है कि जो वी है वो ग्रे कलर लाइक करता है, तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ई वी। सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर सिक्स। तो जैसे कि आप सबको पता है कि जो हमारे यूट्यूब चैनल है उसे 3 ईयर्स कंप्लीट हो रखे हैं, तो इसी इसी के लिए हमने एक स्पेशल ऑफर आया हुआ है हमारा, जो कि टिल 2nd फेब तक चलेगा, जिसमें आपको कोई भी प्रोडक्ट हो हमारे, चाहे लाइव बैच हो, टेस्ट सीरीज हो, वीडियो कोर्स हो, बुक्स हो या फिर ई बुक हो, ये हमारे कोड है YAS25, इस पे आपको सारों पे 25% का ऑफ मिलेगा। सो अगर आपको कोई भी बैच वगैरह परचेज करना है तो ये आपके लिए राइट टाइम है। नाउ अब देखते हैं डायरेक्शन 6 to 10। तो जो हमारा 6 to 10 क्वेश्चन है ये भी एक पजल बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें हमारे को 8% गिवन है, 8% ए बी सी डी ई एफ जी एंड पी आर सिटिंग इन अ रो एट इक्विडिस्टेंस, कि वो एक रो में बैठे हैं इक्विडिस्टेंस,
एंड सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ व्हाइल अदर्स आर फेसिंग साउथ. देन इसके बाद हमें गिवन है ई सिट सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एंड. तो हमारे जो 8 पर्सन है तो ई या तो देखो लेफ्ट हैंड से सेकंड बैठेगा या हमारा वो राइट हैंड से सेकंड बैठेगा. तो तुम्हारी दो कंडीशन आ जाएगी इसमें. देन इसके बाद हमें गिवन है जो ए है ए सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई. अगर ए थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई है तो जो फर्स्ट केस था तो जो हमारा फर्स्ट केस था उसमें ई साउथ फेस करेगा और जो हमारा सेकंड केस आया उसमें जो हमारा ई है वो नॉर्थ फेस करेगा और उसके थर्ड लेफ्ट में ए सिट कर रहा है. देन इसके बाद हमें गिवन है नो वन सिट टू द राइट ऑफ एफ. अगर एफ के राइट में कोई नहीं बैठ रहा तो एफ या तो नॉर्थ या साउथ फेस करेगा और एफ किसी भी एंड पे सिट करेगा ताकि उसके जो अगर वो लेफ्ट एंड पे बैठे तो वो हमारा साउथ देख रहा हो और उसके राइट में कोई नहीं बैठ रहा हो और अगर वो लेफ्ट एंड पे बैठ रहा है तो वो नॉर्थ फेस कर रहा होगा उसके राइट कोई नहीं बैठ रहा होगा. देन इसके बाद हमें गिवन है बी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ए एंड ई. बी ए और ई का नेबर नहीं है तो बी हमारा फिक्स हो जाएगा. बी या तो देखो यहाँ यहाँ भी नहीं आ सकता यहाँ भी नहीं आ सकता तो बी के लिए खाली दो ही पोजिशन बची या तो एक्सट्रीम एंड पे बैठेगा या फिर सेकेंड फ्रॉम एनी एंड बैठेगा. दोनों केस में हमारी बी की 2 पोजिशन आ जाएगी. देन अगर हम इसके बाद देखें तो इसके बाद हमें गिवन है बी फेसेस नॉर्थ. बी जो है वो नॉर्थ फेस करता है एंड 2 पर्सन सिट बिटवीन पी एंड बी. अगर बी और पी के बीच में 2 पर्सन बैठते हैं तो बी हमारा एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठ सकता क्योंकि एक्सट्रीम एंड पे बैठेगा तो जो दूसरा पर्सन पी के लिए हमारा स्पेस वो ए ने पहले ही से ऑक्यूपाई कर रखी है तो बी है वो सेकेंड फ्रॉम द एंड बैठेगा और पी नेबर ऑफ ए होगा. बी फेस नॉर्थ है तो सेकेंड वाले केस में भी ऐसी होगा कि बी हमारा एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठेगा. बी की पोजिशन फिक्स हो जाएगी जो सेकेंड फ्रॉम द एंड है एंड बी हमारा नॉर्थ फेस कर रहा है एंड जो हमारा पी है वो पी इमीडिएट नेबर ऑफ ए हो जाएगा. देन हमें गिवन है जी जी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ डी. जो जी है वो सेकंड टू द राइट ऑफ डी है एंड जी डज नॉट सिट एट एनी एक्सट्रीम एंड. जी किसी भी एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठता एंड डी फेसेस नॉर्थ एंड इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई. जो अगर हमारे को पता है कि डी है वो इमीडिएट नेबर ऑफ बी नहीं है तो डी हमारा इस यहाँ पे कहीं नहीं बैठ सकता और फर्स्ट केस में डी इस साइड नहीं बैठ सकता. तो जो डी की पोजीशन होगी वो ई का नेबर होगा और जी हमारा एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठ रहा तो इसका मतलब है डी हमारा एक्सट्रीम एंड पे बैठेगा दोनों केसों में और डी हमारा नॉर्थ फेस करता है. डी इज फेसिंग नॉर्थ और डी के सेकेंड राइट में जी सिट कर रहा है. तो जो हमारा जो सेकेंड केस बना था तो वो सेकेंड लेफ्ट में जगह बची क्योंकि सेकेंड राइट में तो कोई होगा ही नहीं क्योंकि वो एक्सट्रीम एंड पे बैठ रहा है. तो जो सेकंड केस है वो हमारा इस कंडीशन से एलिमिनेट हो जाएगा और हमारा खाली केस वन के साथ आगे मूव करेंगे. तो केस वन में अगर हम देखें इसके बाद तो एफ था हमारा कि एफ के कोई भी राइट में नहीं बैठ रहा तो एफ एक्सट्रीम राइट एंड पे बैठेगा और वो भी नॉर्थ फेस कर रहा होगा ताकि उसके राइट एंड पे कोई नहीं सिट कर रहा हो. तो लास्ट हमारा इसमें पर्सन बचा वो था सी. तो सी नेबर हो जाएगा ए और बी का. तो हमारे को इसमें डी की पोजीशन डी की हमारे डायरेक्शन भी पता है कि डी हमारा नॉर्थ फेस कर रहा था. देन इसके बाद हमें गिवन है इमीडिएट नेबर ऑफ सी फेसेस सेम डायरेक्शन. तो इट मींस ए भी हमारा नॉर्थ फेस करेगा. देन जी पी सी फेस सेम डायरेक्शन बट अपोजिट ऑफ ए. अपोजिट ऑफ ए मतलब तीनों सेम डायरेक्शन है यानी साउथ और अपोजिट ऑफ ए मतलब साउथ डायरेक्शन फेस करेंगे. तो हमारे फाइनल सिटिंग आ जाएगी. अब देखते हैं इसमें हमारे को क्वेश्चंस क्या पूछे हैं. तो नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने हमारे से पूछा है हु अमंग द फॉलोइंग इज थर्ड टू द राइट ऑफ जी. तो अगर हम फाइनल अरेंजमेंट देखें तो थर्ड टू द राइट ऑफ जी अगर जी हमारा साउथ फेस कर रहा है तो थर्ड टू द राइट ऑफ जी तो कोई है ही नहीं क्योंकि डी के इमीजिएट जो नेबर है उसमें खाली ई है और थर्ड टू द राइट ऑफ जी कोई नहीं है. तो जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ई नो वन. नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे को इन्होंने पूछा है द इमीडिएट नेबर्स ऑफ ई आर. तो जो हमारा फाइनल अरेंजमेंट है उसमें हमारे को साफ दिख रहा है तो ई के इमीडिएट नेबर है वो है डी एंड जी.
तो ऑप्शन सी डीएनजी इसका राइट आंसर होगा। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन बी एंड पी। तो बी और पी के बीच में हमारे दो पर्सन सिट कर रहे हैं, दैट इज ए एंड सी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 2। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर अलाइक इन अ सर्टेन वे बेस्ड ऑन द अबव अरेंजमेंट एंड हेंस फॉर्म अ ग्रुप। तो हमें इसमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। सो इफ वी कंसिडर द फाइनल अरेंजमेंट, सो इन दिस अरेंजमेंट जी ई पी सी डी। तो जी हमारा साउथ फेस कर रहा है, ई भी हमारा साउथ फेस कर रहा है, पी ऑल्सो फेसिंग साउथ, सी इज ऑल्सो फेसिंग साउथ एंड द लास्ट वन डी, डी इज फेसिंग नॉर्थ। तो जो जो इसका ऑड वन आउट होगा वो होगा ऑप्शन ई डी, क्योंकि वो नॉर्थ फेस कर रहा है, बाकी सारे साउथ डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। नाउ मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पजल। Who among the following is exactly between P and C? तो हम अगर अपना फाइनल अरेंजमेंट को देखें तो P और C के बीच में हमारा A सेट कर रहा है, तो ऑप्शन C इसका राइट आंसर होगा। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। डायरेक्शन 11 टू 15। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। देर आर एट पर्सन, एट पीपल, पी क्यू आर एस टी यू वी एन डब्ल्यू। सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, यानी हमारा सर्कुलर पजल है, इसके अंदर 8% सिट कर रहे हैं एंड इसमें कोई फिक्स नहीं है कि सारे नॉर्थ देख रहे हैं, सारे सारे इनसाइड है, सारे आउटसाइड देख रहे हैं। तो इसमें हमारे को फिक्स है कि जो पांच है वो आउटसाइड देख रहे हैं, फाइव ऑफ देम आर फेसिंग आउटसाइड एंड रेस्ट आर फेसिंग टूवर्ड इनसाइड। तो जो थ्री पीपल बचे वो इनसाइड फेस कर रहे हैं। सो अगर हम देखें तो हमारे ये कंडीशन बन जाएगी, इसमें 8% है, देन इसमें हमें जो फर्स्ट कंडीशन गिवन है उसमें हमें गिवन है क्यू फेसेस आउटसाइड। तो जो क्यू है वो आउटसाइड फेस कर रहे हैं, क्यू हम बेस मान लेते हैं इसमें। देन इसके बाद हमें गिवन है टू पीपल सिट बिटवीन क्यू एंड वी एंड बोथ फेसेस सेम डायरेक्शन। अगर दो पर्सन क्यू और वी के बीच में बैठे हैं तो इसके दो केस बन जाएंगे। एक एक में वी की पोजिशन यहाँ हो जाएगी और एक में क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ क्यू हो जाएगी कि वी यहाँ पे सेट करेगा। देन इसके बाद हमें गिवन है पी इज नॉट द नेबर ऑफ क्यू एंड वी। अगर पी क्यू और वी का नेबर नहीं है तो पी की हमारे पे दो पोजिशन आ जाएगी, या तो पी यहाँ सेट करेगा या पी यहाँ सेट करेगा। और सेकेंड वाले केस में भी ऐसे ही होगा कि V और Q का नेबर नहीं है P, तो P या तो यहाँ सेट कर रहा होगा या यहाँ सेट कर रहा होगा। देन इसके बाद हमें कंडीशन गिवन है यू सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ P एंड बोथ फेसेस इन द सेम डायरेक्शन। अगर हम देखें तो अब हमें ये इस पे कंडीशन बनानी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम अगर हमें U की पोजिशन सेट करनी है तो ये चारों केस में सेट होगी, तो हमें दो और पॉसिबिलिटी इसमें बनानी पड़ेगी। तो अगर जो इसकी दूसरी कंडीशन बन रही थी उसे देखें, तो या तो पी यहां बैठेगा एंड क्यू यहां सिट करता था, वी यहां था। और अगर हम सेकंड जो केस है ये फर्स्ट हो गया, दिस वन इज फर्स्ट ए, ये हमारा सेकंड था, और एक ऐसे हमारा सेकंड ए केस और बनेगा इसमें। जो हमारा सेकंड ए केस बनेगा उसमें पी की जो पी यहाँ पे सेट कर रहा होगा। देन इसके बाद हमें गिवन था यू सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी। अगर थर्ड टू द लेफ्ट देखे तो पी इनसाइड आउटसाइड दोनों देख सकता है। तो जो हमारा फर्स्ट केस था, तो फर्स्ट केस में हमारा जो यू है थर्ड टू द लेफ्ट है, तो 2% सेट कर जाओगे दोनों में। तो अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखें तो वी साइड ऑलरेडी सेट कर रहा, तो यहाँ तो आएगा नहीं यू, तो यू क्यू का नेबर हो जाएगा फर्स्ट केस में। ऐसे अगर हम सेकंड केस में भी देखें तो पहले यू की पोजीशन पहले फाइनल कर देते हैं, उसके बाद हम डायरेक्शन देखेंगे, डायरेक्शन की बात क्या चल रही है। तो अगर सेकंड केस में भी देखें तो सेकंड केस में भी हमारा जो यू है वो क्यू का नेबर हो जाएगा, थर्ड टू द लेफ्ट है। एंड सेकंड ए केस में भी हम अगर हम देखें तो क्यू पी और क्यू के बीच में 2% बैठ रहे हैं, तो यू यहाँ तो बैठ नहीं सकता, तो यू इमीडिएट नेबर ऑफ वी हो जाएगा।
एंड अगर फर्स्ट ए केस की बात करें तो इसमें भी हमारे जो यू है वो इमीडिएट नेबर ऑफ पी हो जाएगा, क्योंकि वी और क्यू के बीच में भी 2% एक मिनट, जो हमारा यू है वो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी पूछा है, तो यू की जो कंडीशन होगी वो नेबर ऑफ वी हो जाएगा। देन इसमें हमें था कि जो यू है वो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी है तो इसमें जो हमारा पी वो आउटसाइड देख रहा होगा फर्स्ट केस में, सेकंड केस में हमारा पी इनसाइड देख रहा होगा, सेकंड ए केस में हमारा जो पी है वो आउटसाइड देख रहा होगा, एंड इन फर्स्ट ए केस पी इज फेसिंग टूवर्ड्स इनसाइड। देन इसमें हमें ये भी गिवन था कि यू एंड पी बोथ फेसेस द सेम डायरेक्शन, तो सब में जो जो पी की डायरेक्शन होगी जो इस केस में वही उसकी यू की डायरेक्शन हो जाएगी, तो फर्स्ट में यू आउटसाइड देखेगा, सेकंड केस में यू इनसाइड देखेगा, सेकंड ए केस में हमारा जो यू है वो आउटसाइड देख रहा होगा और जो फर्स्ट ए है उसमें जो हमारा यू है वो इनसाइड फेस कर रहा होगा। नाउ आगे देखते कंडीशन क्या गिवन है, आगे हमें कंडीशन गिवन है टी इज अ नेबर ऑफ क्यू एंड फेसेस आउटसाइड टू, अगर टी अगर नेबर ऑफ क्यू है तो जो हमारा फर्स्ट ए केस है इसमें टी की पोजिशन फाइनल हो जाएगी और हमारा सेकंड केस में भी टी की पोजीशन फाइनल हो जाएगी। देन जो सेकंड ए केस है और फर्स्ट ए केस है उसमें टी की दोनों पोजीशन हो सकती है, टी यहाँ भी बैठ सकता है और यहाँ भी बैठ सकता है, इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू कोई भी साइड हो सकता है। तो देन इसके बाद हमें गिवन है एस सिट थर्ड टू द राइट ऑफ टी, टी हमारा आउटसाइड फेस कर रहा है, अगर हम थर्ड टू द राइट ऑफ टी देखें तो थर्ड टू द राइट ऑफ जो टी होगा, थर्ड टू द राइट ऑफ टी अगर हम लेंगे तो जो अगर टी यहाँ पे सिट करेगा एस सिट थर्ड टू द राइट ऑफ टी, तो थर्ड टू द राइट ऑफ टी देखेंगे तो एस हमारा फर्स्ट केस में यहाँ पे सिट करेगा, वी का नेबर हो जाएगा, सेकंड केस में जो एस है हमारा सेकंड केस में भी वी का नेबर हो जाएगा, जो थर्ड केस है उसमें जो जो टी की दो पॉसिबिलिटी बन रही थी उसमें एक तो कैंसिल हो जाएगी क्योंकि थर्ड टू द राइट में उसमें एक में यू सिट कर रहा होगा, और जो दूसरा केस है उसमें जो इमीडिएट नेबर ऑफ पी हो जाएगा। और जो अगर हम एक कंडीशन देखें जो फर्स्ट एक कंडीशन थी तो उसमें अगर हम थर्ड टू द राइट ऑफ टी देखें तो एक में तो दोनों में नेबर ऑफ पी होगा, चाहे तो वो एस यहाँ आएगा चाहे एस यहाँ आएगा। तो अगर हम अगला कंडीशन देखें तो अगली कंडीशन हमें गिवन है एस इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ पी, एस इमीडिएट नेबर ऑफ पी नहीं है तो जो हमारा फर्स्ट ए केस है वो भी कैंसिल हो जाएगा, सेकेंड ए केस भी हमारा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पी इसमें नेबर ऑफ इमीडिएट नेबर ऑफ एस आ रहा है। देन हमारे पास इसमें दो केस बचेंगे, केस वन एंड केस सेकेंड। तो नाउ आगे देखें तो आगे हमें कंडीशन गिवन है एस एंड आर फेसेस सेम डायरेक्शन, जो एस और आर है वो दोनों सेम डायरेक्शन फेस करते हैं, एंड आर डब्ल्यू आर नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, अगर हमारा आर और डब्ल्यू इमीडिएट नेबर नहीं है तो जो हमारा इसमें केस सेकंड था वो एलिमिनेट कर जाएगा, क्योंकि आर और डब्ल्यू के बीच में इसमें दो ही पॉसिबल कंडीशन बची थी, आर और डब्ल्यू इमीडिएट नेबर ऑफ पी और वी होंगे, तो अगर दोनों इमीडिएट हो जाएंगे तो ये हमारी जो पोस्ट कंडीशन है कि आर एंड डब्ल्यू आर नॉट इमीडिएट नेबर, तो इसे ये डिफ्लेक्ट करेंगे तो ये हमारी कंडीशन, ये केस हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास खाली एक ही केस बचेगा वो होगा केस वन, उसमें या तो आर हमारा यहाँ आएगा या आर हमारा यहाँ पे आएगा। देन हमें इसमें गिवन है आर डज नॉट सिट अपोजिट टू यू, अगर आर अपोजिट टू यू नहीं है तो आर अपोजिट टू पी सिट करेगा और जो हमारा डब्ल्यू है वो अपोजिट टू यू सिट करेगा। देन इसके बाद जो हमारी अगर हम देखें तो 5% आउटसाइड फेस कर रहे थे, तो वी पी टी क्यू यू तो 5% हमारे आउटसाइड फेस कर रहे हैं, तो जो डब्ल्यू आर और एस है ये तीनों इनसाइड फेस करेंगे, तो हमारी फाइनल अरेंजमेंट आ जाएगी। अब देखते हैं इसमें हमारे को क्वेश्चन क्या गिवन है, इसमें क्वेश्चन क्या पूछे एग्जामिनर ने, तो नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे से पूछा है हु सिट अपोजिट टू एस,
एस के अपोजिट पूछा कौन सिट करता है, तो एस के अपोजिट अगर हम फाइनल अरेंजमेंट में देखें तो क्यू सिट करता है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी क्यू। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 12, हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर पूछा है, तो आर हमारा इनसाइड फेस कर रहा है तो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर हमारा क्यू होगा, तो जो सेकंड क्वेश्चन नंबर 12 है उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी क्यू। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 13, इफ यू एंड टी इंटरचेंज देयर पोजिशन देन हु सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, टी के इमीडिएट लेफ्ट में अगर देखे तो इसमें भी हमारा क्यू सिट कर रहा है क्योंकि टी इसमें आउटसाइड फेस कर रहा है, पर अगर हम दोबारा देखे तो इसमें हमारे को जो पूछा है वो ये नहीं पूछा कि हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, उसने ये पूछा है कि इफ यू एंड टी इंटरचेंज देयर पोजिशन, तो हमारे को पहले कंडीशन को जरूर इम्प्लाई करना है कि अगर यू और टी इंटरचेंज कर लेंगे तो टी इस साइड आएगा और यू इस साइड आएगा, तो टी फेसिंग आउटसाइड है तो इमिजिएट लेफ्ट ऑफ टी हमारा आर आएगा, तो इसमें ऑप्शन डी आर इसका राइट आंसर होगा। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे से इन्होंने पूछा है फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड सो फॉर्म अ ग्रुप, फाइंड द वन हु डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। तो ये भी हमारा ऑड वन आउट क्वेश्चन है, इसके अंदर फाइव हमें पर्सन गिवन है टी यू वी क्यू एस, हमें बताना है कौन सा ऑड वन आउट है इसमें, तो अगर हम देखें तो टी इसमें आउटसाइड फेस कर रहा है, यू भी आउटसाइड फेस कर रहा है, वी भी आउटसाइड फेस कर रहा है, क्यू ऑल्सो फेसिंग आउटसाइड, तो एस बचा, तो एस हमारा इसमें देखें तो हम एस इनसाइड फेस कर रहा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ई एस। नाउ मूव टू क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पजल एंड दिस क्विज ऑल्सो, सो इन दिस क्वेश्चन वट इज द पोजिशन ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू आर, तो क्यू की पोजिशन बतानी है हमें विद रिस्पेक्ट टू आर, तो देखें तो जो क्यू है सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आर बैठ रहा है, तो ऑप्शन बी सेकेंड टू द लेफ्ट इसका राइट आंसर होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे,